हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विस है यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ है मिस्टर संतोष, जो कि भारतीय रेलवे में अपनी सर्विस दे रहे हैं। और आइए जानते हैं इन्हीं से कुछ ऐसी बातें भारतीय रेलवे के बारे में, जो कि वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं वही आपको बता सकते हैं। तो मिस्टर संतोष, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम स्वागत करते हैं अपनी तरफ से, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से। तो बताइए अपने बारे में थोड़ा। मैं संतोष कुमार, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे में सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में कार्यरत हूँ। कौन सी आपके जगह पे पोस्टिंग हुई है? भुसावल डिवीजन के मलकापुर स्टेशन पर पोस्टिंग है। ओके, कौन से पोस्ट पे? अभी पोस्ट है मेरा है पॉइंट्समैन ए है। ओके, तो आपकी ज्वाइनिंग कौन से पोस्ट पे हुई थी? मेरा ज्वाइनिंग हुआ था असिस्टेंट पॉइंट्समैन के तौर पर, लेकिन 24 जून 2020 को प्रमोशन मिलने से पॉइंट्समैन सीनियर पॉइंट्समैन बन गए हैं। ओके, तो आपने प्रमोशन लेके सीनियर पॉइंट्समैन बन गए हैं। ओके, ग्रुप डी के पोस्ट पे हैं। ओके, तो इसमें आपको काम कौन सा करना पड़ता है, किस तरह की ड्यूटी होती है आपकी? पॉइंट्समैन की ड्यूटी काम ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें गाड़ी को परिचालन करने संबंधित है, गाड़ी को चलाने परिचालन करने संबंधित है, जिसमें हम लोग का काम है गाड़ी के इंजन को जोड़ना, गाड़ी के डब्बे को एक जगह से दूसरे जगह करना, ठीक है, गाड़ी को अटैच करना, डिटैच करना, गाड़ी को एक लाइन से दूसरे लाइन या लूप लाइन से मेन लाइन करना, कैसे है ना वो, अर्थात पूरा ये सेंटिंग मोमेंट हम लोग का काम है। और जब सेंटिंग तो कभी कभी होती है, और उसके अलावा क्या है, गाड़ी की संरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब गैस ड्राइवर और गाड़ी के साथ बाउटा एक्सचेंज करना। ओके, तो देखा आपने कि इनकी जो ड्यूटी है, आपने भी देखा हो कभी कभी रेलवे स्टेशन पे कि एक इंजन, किसी ट्रेन के एक इंजन को काट करके उसमें कोई दूसरा इंजन जोड़ना होता है, या फिर एक आगे जो इंजन लगी होती है उसको काट करके उसको पीछे एडजस्ट करना होता है, तो वो सारे के सारे जो काम होते हैं वो यही संतोष जी संभालते हैं मलकापुर स्टेशन पर, जो कि महाराष्ट्र में आती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो कब हुई थी? मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 10 अक्टूबर 2017 को। ओके, 2017 में आपने ज्वाइन किया था, लेकिन आपकी जो वैकेंसी थी वो कब आपने इसको पास किया था? मेरा वैकेंसी था 2013 का, 3/13 का था नोटिफिकेशन। आपका परीक्षा कब हुआ था? और परीक्षा हुआ था नवंबर महीना 2014 में हुआ था, एग्जाम 2014 में, यानी कि तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि 2013 की नोटिफिकेशन थी, 2014 में इनका एग्जाम हुआ था, और इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 2017 में हुई थी। तो ज्वाइनिंग से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया थी, बिल्कुल एक नज़र में आप बताइएगा। जैसे कि सबसे पहले तो फॉर्म डाला गया, फॉर्म आप भरे, उसके बाद फिर आपका एग्जाम हुआ, तो एग्जाम सेंटर कहाँ था? मेरा एग्जाम सेंटर दिया था नागपुर। नागपुर, तो देखिए इन्होंने भरा था सेंट्रल रेलवे का। सेंट्रल रेलवे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे का है। तो इस सेंट्रल रेलवे की तरफ से फॉर्म भरा गया था, और हम बिहार से हैं, संतोष जी बिहार से हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि हम कौन से जगह पर फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए कि आप चाहे कहीं भी का भी निवासी हो, किसी भी स्टेट का निवासी हो, आप मतलब कि कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकलती है, आप कहीं भी फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। जैसा कि ये बिहार से होकर के वो महाराष्ट्र के नागपुर में मतलब कि फॉर्म भरे थे सेंट्रल रेलवे मुंबई, और इनका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था नागपुर में, जो कि बिहार से काफ़ी दूर है। ओके, एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम को पास, एग्जाम में रिजल्ट में आपका नंबर आया था, तो आपको बता सकते हैं कि उसमें 100 क्वेश्चन पूछा गया होगा? हाँ, नॉर्मली रेलवे के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका स्कोरिंग कितना था, आपने कितना नंबर लाया था? 100 क्वेश्चन था जिसमें मैंने 90 क्वेश्चन टच किया था, बनाया था, तो 90 क्वेश्चन बनाया था, जिसमें ना 13-14 क्वेश्चन यहाँ आए घर पर चेक किए तो गलत हो गया था, और लगभग में 70 प्लस मेरा नंबर आ रहा था। तो इनका कहना है कि उनको जो 70 नंबर लगभग में आया था, 70 प्लस ही नंबर था, तो 70 नंबर में उस टाइम OBC से इनका सिलेक्शन हुआ था। और उस टाइम मतलब कि OBC और जनरल कैटेगरी और SC ST कैटेगरी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है स्टूडेंट लोगों को। जनरल कैटेगरी वाले समझते हैं कि हम लोग का बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ होता है, OBC वालों का मीडियम होता है, और SC ST वालों का बहुत कम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस 2 या 3 नंबर का अंतर होता है। कभी कभी तो OBC का कट ऑफ जनरल से ऊपर चला जाता है कभी कभी किसी किसी एग्जाम में। ओके, तो उस टाइम तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं था? नहीं, उस समय नहीं था नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन उस टाइम नहीं था। ओके ओके, तो जैसे कि आपने एग्जाम पास किया, रिजल्ट आपका आ गया,
ग्रुप डी में तो बस एक ही एग्जाम होती है, तो एग्जाम के बाद आपने दिया था मतलब कि फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट दिए ओके, फिजिकल टेस्ट के लिए आपने कहाँ गए थे? मेरा फिजिकल टेस्ट भी नागपुर में ही हुआ था। ओके, मतलब कि फिजिकल टेस्ट भी इनका नागपुर में ही होता, तो फिजिकल टेस्ट में आपने कितने दिन तक तैयारी किया था इसके लिए? फिजिकल टेस्ट में लगभग 10-15 दिन तक घर पर दौड़े थे, दौड़े थे, कुछ एक्सरसाइज किए थे, उसके बाद दौड़ किए हो गया। तो आप बराबर बता सकते हैं कि आपने रनिंग की तैयारी तो घर पे ही किया था, किसी स्पोर्ट्स क्लब से इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, बस गांव भर में जिस तरह से लोग तैयारी करते हैं रनिंग की, उसी तरह से ये भी तैयारी किए थे, मतलब नॉर्मल से जो रोड होता है उसी रोड पे इन्होंने दौड़े थे। तो आपको याद है कि उस टाइम कितनी रनिंग हुई थी, कितना मीटर? उस समय 2015 मेरा दौड़ हुआ था, फिजिकल हुआ था, जिसमें जिसमें 1000 मीटर का दौड़ लगाना था। 1000 मीटर दौड़ना था, जिसमें 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया गया था। ओके, 4 मिनट 15 सेकंड का समय में 1000 मीटर की दौड़ को पूरी करनी थी, तो उस दौड़ को आपने पास किया था। उसके बाद वेट का भी होता क्या? नहीं, उस समय वेट उठाने का नहीं था। उस टाइम जो था वेट उठाने का नहीं था, लेकिन अभी वेट उठाने का है। ओके, तो जैसे अपना वो रनिंग पास किया, फिजिकल उस तरह से हो गया पास, तो उसके बाद आपकी कौन सी प्रक्रिया हुई थी? शायद वेरिफिकेशन। हाँ ओके, वेरिफिकेशन में आपसे मांगा गया होगा जो भी सर्टिफिकेट, जैसे कि वेरिफिकेशन में आप अपना जैसे एक एक्सपीरियंस बताइए कि वेरिफिकेशन में आपका किस तरह से वेरिफिकेशन हुआ था। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप जाइए वहाँ पे और वहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो क्या आपसे वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस का? नहीं नहीं, वेरिफिकेशन में वो सब ऐसी कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरे थे आप दिए थे, मैंने जो दिया था डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय, वही सब डॉक्यूमेंट्स कागज़ खोजा, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी दिए थे वही सब खोजा, बस दिखा दिए, बस उसको वेरीफाई कर लिया। जैसे कि मैट्रिक में जैसे कि एडमिट कार्ड होता है, मार्कशीट होती है और सर्टिफिकेट होता है, तो तीनों में से तो सर्टिफिकेट का मांग किया था। हाँ, मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखा था। ओके ओके, तो यही मतलब कि आप फॉर्म भरते समय जो भी बेसिक जो सर्टिफिकेट वहाँ पे मांग की जाती है वो सब आप वहाँ पे भरते हैं, आप उसका सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे लगाते हैं जो अटैच के रूप में, तो आपसे बस वही बोला जाता है कि आप वो चीज़ दिखाइए प्रूफ के रूप में, तो वो चीज़ दिख गया था। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर के आरक्षण व्यवस्था है, तो उसमें तो हर कोई आदमी किसी न किसी जाति से तो बिलोंग करता ही है। जो स्टूडेंट मतलब कि जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको तो वो सब चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो लोग OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं या फिर इसके अलावा और भी PWD या जो भी हो, तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट का अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जिस समय फॉर्म भरते हैं तो वो तो वहाँ पर रहना ही चाहिए, इसके अलावा जब आपका वेरिफिकेशन हो रहा है तो उस समय का करंट का बिल्कुल सर्टिफाइड चाहिए। तो वो जो सर्टिफिकेट बनवाना होता है वो कहाँ से बनवाए थे आप? OBC जो बनवाना था वो मैं अपने अंचलाधिकारी महोदय से, दलसिंह राय से बनवाया था। ओके, और उसके बाद SDM महोदय से बनवा लिया था। ओके, जो कि सेंट्रल गजटेड ऑफिसर होना चाहिए, सेंट्रल मैं जो UPSC करके आते हैं अनुमंडलीय अधिकारी, या फिर आप इसी को जिला से भी बनवा सकते हैं। तो वेरिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका रिजल्ट दोबारा से आता है और फिर आपको बुलाया जाता है फिर बाद में मेडिकल के लिए, है ना? हाँ, वेरिफिकेशन के बाद होती है मेडिकल, और मेडिकल में बताइए कि कितने दिन का समय लगता है। सबसे पहले भी बताइए कि कहाँ पे आपको जाना पड़ा था। तो वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ ही दिन बाद हुआ, मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल के लिए मेडिकल समय भी पहले वेरिफिकेशन किया, फिर से डॉक्यूमेंट सबको देखा, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मेडिकल के लिए लेटर दिया, एक दिन बाद लेटर दिया। उसके बाद लेटर लग गए तो मेडिकल में 2-3 दिन लग गया वहाँ रहने के लिए। तो मेरा मेडिकल भुसावल डिवीजन में हुआ था, महाराष्ट्र के भुसावल में। ओके, मतलब कि वेरिफिकेशन के बाद ही आपको मतलब डिवीजन अलॉट कर दिया गया था। हाँ हाँ। ओके, तो इनका भुसावल हुआ था, तो भुसावल में जाकर के मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल प्रक्रिया में आपको याद है कि कौन से ग्रुप में आपका मेडिकल हुआ था? हाँ, मेरा मेडिकल A2 हुआ था। A2 जैसे कि A1 होता है लोको पायलट का, और A2 हुआ था इनका। तो उसमें जैसे कि बेसिकली क्या सब चीज़ चेक किया गया था? मेरा मेडिकल हुआ था तो वही अपना एक्सरे किए थे, और जैसे शरीर का कौन सा अंग, जैसे कि आँख का चेक हुआ था, और कलर विजन चेक किए थे, और कान चेक किए थे, और बस यही सब चेक किए थे। जैसे कलर विजन का जो चेक होता है वो किस तरह से होता है वहाँ पे? वो एक पेज में रहता, छपा हुआ रहता है, और उसको पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है।
जिसमें क्या लिखा है। हाँ, जिसके बस मेन रूप से रेलवे में अगर आप आना चाहते हैं तो स्पेशली रूप से मतलब कि कलर विजन टेस्ट जरूरी हो जाता है, क्योंकि रेलवे के लिए जरूरी भी है कलर विजन। मतलब नॉर्मल सा टेस्ट, अगर आप फिजिकली रूप से बिल्कुल फिट है, आँख आपका बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्मी का जिस तरह से होता है मेडिकल, उसी तरह से रेलवे का भी होता है मेडिकल, तो उसमें अंतर होता है ना? नहीं, वो रेलवे का मेडिकल होता है सब साधारण होता है, उतना हाई फाई नहीं होता है। मतलब कि थोड़ा सा टफ होता है, बहुत टफ होता है आर्मी का मेडिकल, और रेलवे का मेडिकल ईजी होता है आर्मी के मेडिकल से। और इसके अलावा जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट का छोटा सा उंगली वगैरह कटा हो तो इसमें कोई दिक्कत आती है? नहीं तो अगर सर फॉर्म भरते समय उसमें वो इस दिखा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होती आगे। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो मेडिकल इनका क्लियरफाई हो गया, तो उसके बाद इनको ज्वाइनिंग के लिए लेटर भेजा था, तो उसके मतलब कि रेलवे थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब 5 महीना 6 महीने का समय, लेकिन आपको भेजता है वो कि आपका ज्वाइनिंग हो गया। और आपको आपने कहाँ पे जाके ज्वाइन किया था? जैसे कि आपने सेंट्रल मुंबई में आपने फॉर्म भरा था डिवीज़न, मतलब मेन आपका जोन था मुंबई, तो मुंबई का आपका भुसावल डिवीज़न मिल गया, तो फिर आपने ज्वाइनिंग कहाँ पे जाके किया था, भुसावल में या फिर अभी जहाँ पे कार्यरत है वहाँ पे? तो मुंबई से मेरा फाइल भेज दिया डिवीज़न जब अलाउट हो गया अलाउट, उसके बाद भुसावल डिवीज़न भेज दिया। भुसावल डिवीज़न से DRM ऑफिस DRMP के थ्रू मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया घर पर, तो DRMP में ही बुलाया था ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ गए और मेरा भुसावल में ही ज्वाइन करवाया। ओके, अब भुसावल में ज्वाइन हुआ, अभी जहाँ पे है वहाँ पे बाद में भेजा गया। हाँ, तो पहले ज्वाइन करने के बाद 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई हम लोग को। तो ट्रेनिंग में क्या सब चीज़ सिखाया गया था? ट्रेनिंग में पहले अनुशासन सिखाया गया था, अनुशासन बताया गया था, जैसे कि एक रेलवे कर्मचारी किसी दूसरे पैसेंजर से कैसे बात विचार करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, और उसके बाद रेलवे संबंधित सब बातों को सिखाया गया था, बताया गया था। रेलवे में काम करने के लिए बेसिक सी बातें जो होती है, जैसे कि रेलवे कर्मचारी का मतलब कि जो भी पैसेंजर्स होते हैं उसके साथ किस तरह से बिहेव होना चाहिए, आपस में कर्मचारी किस तरह बिहेव होना चाहिए, और थोड़ा बहुत अपने काम के बारे में, आप कौन सा काम करेगा, किस तरह से करेगा, आप अपने ऑफिसर को किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो ये सब चीज़ें है ना? हाँ हाँ सही। ओके, तो यानी कि 1 महीने के बाद तो आपकी जो सैलरी, तो जैसे आप ज्वाइन किए थे आपका सैलरी शुरू हो गया था, हाँ, तो आप बताइए कि सैलरी जो मिलती है वो कितने तारीख को आ जाती है अकाउंट में? भारतीय रेलवे में प्रत्येक महीना के अंतिम तारीख को सैलरी हम लोग को आ जाती है। हाँ, जैसे अगर फरवरी 28 दिन का है तो आपको 28 तारीख को मिल जाएगी सैलरी, अगर अक्टूबर है 31 तारीख का महीना टोटल है तो 31 तारीख को आपके यानी कि महीने के लास्ट दिन आपका सैलरी आ जाती है अकाउंट में, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाती है, तो वो कितने डेट को आ जाती है इसकी नोटिफिकेशन? सैलरी ना हम लोग को सेंट्रल रेलवे में सैलरी क्लोज होता है 15 से लेकर के 16 तारीख से लेकर के और 15 तारीख के बीच क्लोज होता है। 15 दिन का एडवांस सैलरी हम लोग को मिलता है। ओके, तो पे शीट क्लोज होता है, और अगर पेमेंट मिलने के समय में अगर शनिवार पड़ जाता है, अगर मान चलिए 29 तारीख को पड़ता है शनिवार और 30 को रविवार, तो 28 तारीख को ही पेमेंट दे देता है। ओके ओके, चलिए ये अच्छी बात है। तो चलिए, तो रही पेमेंट की बात, तो आप बताइए कि आप ग्रुप डी के पोस्ट पे हैं, पॉइंट्समैन में हैं, तो आपको जैसे स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिल रही थी? जब मैं स्टार्ट किया था रेलवे में ज्वाइन किया था, तो उस समय मेरा सैलरी HRA और DA TPTG मिला करके लगभग में 25,000 प्लस था। ओके, 25,000 प्लस। तो अभी तक आपको मैक्सिमम कितनी सैलरी मिल चुकी है, मतलब 1 महीने में मैक्सिमम? एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलवे में जो सैलरी मिलती है वो आपके काम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे कि बेसिक जितना है उतना तो सबको मिलता है, लेकिन आपसे अगर एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, जैसे कि आप जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है और आपको किसी दूसरे स्टेशन में भेजा जाता है, या फिर ओवर टाइम आप काम करते हैं, या फिर नाइट में काम करते हैं, या फिर छुट्टी के दिन में काम करते हैं, वो सबका अलग से पैसा बनता है, तो उस वजह से सैलरी प्रत्येक महीना में बिल्कुल सेम नहीं होती है, आगे पीछे होती रहती है ना, सही बात? हाँ, अभी तक मेरा अधिकतम सैलरी बना है 35,476 रुपया सब कुछ काट करके, जिसमें लोग में 3,000 रुपया NPS और एक्स्ट्रा कुछ कुछ काट कुट करके। सैलरी में जैसे कि कुछ जैसे कि इस जैसे कि DA वगैरह हुआ, तो ये सबको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दीजिए कि सैलरी जो है किस किस रूप में आती है। सैलरी जब मिलती है तो सैलरी का जितना बेसिक होता है उसका अभी हम लोग को वर्तमान में बेसिक पेमेंट कितना है?
अभी हम लोग का मेरा बेसिक है 19,900। ओके 19,900। तो बेसिक का लोगों में हम लोग को बेसिक का अभी वर्तमान में 17% डीए मिलता है। डीए का हाँ, मतलब महंगाई भत्ता। डीए हुआ डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जी। और टीपीटीजी हो एक मिलता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, तो वो मिलता है लोगों में 1100 के एवरेज में, वो टीपीटीजी मिलता है। हाँ, अगर आप एच आर ए अपना मिलता है, जी हाउस जी रेंट, और एन एच है अगर नेशनल हॉलीडे है, हाँ कोई नेशनल छुट्टी हॉलीडे दिन एनएच। काम किए जी तो उसका मिलता है। जी जी तो बस यही सब मिला करके। टोटल सैलरी आपकी प्रत्येक महीने में आती है, जो कि ग्रुप डी का जो है वो एवरेज सोच लीजिए कि आपको 25,000 मिलेगा मिलेगा। लेकिन ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो सबका अलग अलग सैलरी हो सकता है ना। हाँ, ये हाँ, बात तो है। ग्रुप डी में कौन सा ऐसा पोस्ट है जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है? तो ग्रुप डी में ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उन लोगों को हमसे कुछ ज़्यादा पैसा मिलता ओके, है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे ट्रैकमैन वगैरह। हाँ, ट्रैकमैन हुआ, ओके, कोई ग्रुप डी का गैंगमैन जो हुआ। सबसे पॉपुलर पोस्ट है वो कौन सा है जिसको कि लोग लेना चाहते हैं? गेटमैन। ग्रुप डी में ऐसे अधिकांश लोग चाहते हैं कि हम पोर्टर यानी कि पॉइंट्समैन में आए, पॉइंट्समैन ओके, मतलब में। कि आप सबसे अच्छे पोस्ट में ग्रुप डी में। हाँ आपको जो काम होता है वो बिल्कुल मेहनत वाला होता होगा। हाँ मेहनत वाला, जब संटिंग होती है तो होती है, नहीं तो उतना अपना ओके, ज़्यादा तो उसका कुछ फिलहाल काम जैसे है नहीं। कि जैसे अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन में भी आप ड्यूटी किए थे, लॉकडाउन से पहले भी आप ड्यूटी किए थे, तो हाँ दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि लॉकडाउन से पहले वाली अच्छी थी या फिर लॉकडाउन के समय? नहीं, लॉकडाउन से पहले बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी तो बहुत अच्छा लगता था। पैसेंजर लोग स्टेशन पर आते थे, हाँ मिलना, बातचीत करना, सब राय विचार देना, कुछ हाँ पूछे जैसे तो कि आप बताना। किसी काम को करते हैं और आपको काम बिल्कुल लगातार करना ही पड़ता है, तो वो अच्छा रहता है, आपका टाइम जल्दी कट जाता है। लेकिन अगर आपके पास काम किसी काम कर रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल बैठे हुए हैं, ज़्यादा काम नहीं, तो आपको थोड़ी सी बोरिंग होती है, तो ये इनका सामना करना पड़ा। और लॉकडाउन में थोड़ी सैलरी भी कम हो गई। लॉकडाउन में हुआ जो हम लोग का, ऐसे तो डीए जो बढ़ता था उसको तो गवर्नमेंट सीज कर दिया ऊपर से, जिस कारण कुछ प्रभाव पड़ा। लेकिन सैलरी टाइम पे मिल गई। हाँ, सैलरी तो प्रत्येक महीना टाइम पर मिलती जाती है। ओके, तो हमने सुना है कि रेलवे में जो है कुछ पैसा भी कटता है प्रत्येक महीने से, तो वो पैसा किस रूप में कटता है और वो कब वापस मिलता है? हाँ, रेलवे में एनपीएस करता है, जैसे कि एनपीएस में सरकार का भी योगदान होता है। एनपीएस मतलब? नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत। मतलब कि आपको जो पेंशन मिलेगा आप जब आप रिटायर करते हैं उसके बाद के लिए पैसा जो आपको, जैसे कि किसी का भी, जैसे आपने सुना हो एक किसको। मिनट, तो नेशनल पेंशन के अंतर्गत होता है जो बेसिक का, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के बेसिक में से सरकार 10% काटता है और सरकार 14% देता है। तो इस ओके तरह 24% ना, इम्प्लॉय के बेसिक का 24% प्रत्येक महीना जमा होते जैसे रहता कि है। अगर आपका 20,000 लगभग बेसिक है, तो 20,000 का 24% लगभग में 4,500 के आसपास आता है, तो आपके अकाउंट में प्रत्येक महीना 10% आप में से लेकर के 14% सरकार खुद दे करके आपके अकाउंट में जमा कराती जाती है, और यही पैसा आपको बाद में रिटायरमेंट के रूप में मिलती है। हाँ, बाद में जब रिटायर किया जाता है तो वो पैसा तो वही सब मिलती पैसा है, आपको मिलता है। मिलती है, और और फिर उसमें कुछ पैसा काट के रखता है तो वही पेंशन के रूप में अंतिम में देता है। चलिए ठीक है, तो ये सब आपको जानकारी मिल रही है बिल्कुल रेलवे स्टाफ की तरफ से जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। ओके, तो ये रही बात। अब जैसे कि आप अपने बिल्कुल एक छोटा सा झलक बताइए कि आप किस रूप में तैयारी किए थे और आप रेलवे में थे ज्वाइन किए थे, मैं बहुत गरीब फैमिली से गुजरा मतलब कि हूँ, गरीब जो। फैमिली से, हाँ ओके ओके, जिस ये कारण हम लोग तो कहीं ट्यूशन कोचिंग कर नहीं पाए, अपने दोस्त लोग के साथ पढ़े लिखे शुरू में, और ग्रुपिंग किए, जीटी ग्रुप किए, और अभिषेक जी का गाइड रहा। तो ओके। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जीडी ग्रुप, मतलब कि एक गांव के 10 बच्चे या 20 बच्चे एक साथ जमा होते हैं एक टाइम पे, और 1 घंटे या फिर 2 घंटे मिल करके पढ़ाई करते हैं। जिसको प्रॉब्लम होता है दूसरे जो सीनियर होते हैं वो उनके प्रॉब्लम को दूर करते हैं, और टेस्ट सीरीज वगैरह की व्यवस्था रहती है, जिस रूप में आपस में भी कॉम्पिटिशन बढ़ता है और लोग तैयारी भी कर पाते हैं। अगर आप बिहार से बाहर के हैं, आपने जीडी ग्रुप वगैरह का नाम नहीं सुना या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये बिहार में बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप किसी भी बिहार के एम्प्लॉय से बात करेगा तो वो लोग जीडी ग्रुप के बारे में ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे, और सभी लोगों का मान मतलब यही होगा कि स्कूल कोचिंग से, मतलब कि जो भी बड़े बड़े कोचिंग होते हैं वहाँ से कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जीडी ग्रुप से मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जितने भी मतलब अगर कोई स्टूडेंट जीडी ग्रुप शुरू करता है, भले उसको 1 साल के बाद जॉब मिले या फिर 5 साल के बाद, लेकिन उसको जॉब 100% मिलती है
है ना सही बात। हाँ जॉब मिल जाती है, जब जब मेहनत कीजिएगा तो उसका फल ओके, मिलेगा ही। मतलब जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको ये होता है कि आप कुछ ना कुछ तो तैयारी करते ही जाते हैं। एक लेवल ऐसा आता है कि जब आपकी पूरी तैयारी हो जाती है और आपको मतलब कि एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन लोग बना देते हैं, मतलब इतना बनाते हैं कि आपका रिजल्ट आ पाए। तो यानी कि GD ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहा था और हमने इनको गाइडेंस दिया था उस टाइम। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी करते थे? हाँ सेल्फ स्टडी घर पर करते थे, और ग्रुप में GD ग्रुप में जितना काम दिया जाता था पूरा करने के लिए मैं उसे ईमानदारी पूर्वक करता था। ओके, चलिए ठीक है। तो इसके लिए आपने कौन कौन सी किताबें मतलब कि पढ़ी थी उस टाइम? जैसे कि GKGS था तो उसके लिए तो लूसेंट पब्लिकेशन तो बिल्कुल पॉपुलर है। तो पढ़ने के लिए एक उपकार का था, रीजनिंग का बुक, रीजनिंग टेस्ट उसका नाम था, और उपकार आर का। एस अग्रवाल का मैथमेटिक्स था, और लूसेंट था, और SPD था, और अभिषेक जी का नोट था। हाँ ओके, तो चलिए ठीक है। तो ये रही यानी यही सब चीज़, मतलब कि जितने भी आप बिहार के स्टूडेंट से बात करें या फिर अभी तो लुसेंट जो पब्लिकेशन वो पटना से निकलती है, लेकिन वो मतलब कि बाहर भी अभी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो लुसेंट एक बिल्कुल बेसिक सा किताब होता है, 100 रुपीज़ उसका दाम होता है और सभी स्टूडेंट उसी से तैयारी करते हैं मैक्सिमम। और आगे के फिनिशिंग के लिए मतलब कि जो कोई नोट्स हो तो उसके लिए दूसरा किताब पढ़ना पड़ता है, लेकिन बेसिक आपका लुसेंट होता है, ये सब चीज़ है ना। हाँ चलिए, तो तैयारी अपने लुसेंट से की, अपने मेहनत से की और बहुत अच्छी बात है। और गरीबी में रहते हुए स्टूडेंट लोगों को पढ़ाते हुए, मतलब छोटे बच्चों को, तो आपने ज्वाइन किया, तभी आपकी मतलब आप खुश हैं अपने नौकरी से? खुश है ना। आपके आगे की क्या तैयारी चल रही है? आगे की भी तैयारी अभी डिपार्टमेंटल चल रही है। अब मेरा 3 साल हो गया, अब मैं स्टेशन मास्टर या गार्ड ओके, फॉर्म हाँ भरने तो के लिए यानी एलिजिबल कि हो गया हूँ। जी, तो एक चीज़ आप बताइए, जैसे कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है तो जैसे कि प्रमोशन तो खुद ब खुद मिलती होगी? नहीं देखिए, हाँ प्रमोशन प्रमोशन तो मतलब कि आपके एक्सपीरियंस पे मिलती है, जैसे कि हाँ रेलवे जैसे में ना, जैसे अभी हम लोग का 3 साल हो गया है, तो 3 साल हो गए हैं, तो अब फॉर्म जैसे निकलता है, डिपार्टमेंटल निकलता है, डिवीजन से के थ्रू निकलता है, जिसमें ना क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन का, तो उसमें डिपार्टमेंट संबंधित और कुछ GKGS मैथ कुछ रहता है, तो ये सब मिला के उसको एग्ज़ाम लेता है। जब एग्ज़ाम रिटर्न परीक्षा पास कर जाता है, अगर मान चलिए हम ASM का फॉर्म भरे हैं डिपार्टमेंटल, तो पहले रिटर्न परीक्षा लेगा। अगर आप ओबीसी जनरल से बिलोंग्स करते हैं, तो आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, पहले ट्रेनिंग परीक्षा से पहले ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। वो जो होता है, एक एक महीना का होता है, पढ़ाता है, उसके बाद परीक्षा लेता है। अगर आप SC ST से बिलोंग्स करते हैं, तो आपको आपको 1 महीना सरकार पढ़ाएगा, और उसके बाद आपकी परीक्षा लेगा, उसके परीक्षा लेगा, फिर परीक्षा पास कीजिए, रिटर्न परीक्षा। ओके, आपका कहना ये है कि जैसे कि आपका डिपार्टमेंटल आप प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, तो जैसे कि अभी आपका ग्रुप डी है और आपको ऑप्शन मिलता है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बनने के लिए या फिर कोई और पोस्ट में जाने के लिए, तो जो स्टूडेंट जैसे SC ST कैंडिडेट है रेलवे तो में ज्वाइन है, तो उनको एग्ज़ाम लेने से पहले 1 महीना रेलवे अपनी तरफ से ट्रेनिंग देगा ताकि वो ASM एग्जाम को पास कर ले। और दूसरी क्या होती है, जैसे कि जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से या फिर OBC से बिलोंग करते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती रेलवे की तरफ से, मतलब मामूली सी ट्रेनिंग होती है कि थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है रेलवे की तरफ से। तो खैर जब आपस में सभी दोस्त हैं, क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया तो पता चल ही जाएगा है ना कि क्या है, किस तरह से है उसका। फिर आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, फिर आपको आगे की पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन उसमें उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो है कहाँ जाते हैं, जैसे उस कि नॉर्मल जिस तरह से जैसे कि NTPC CBT 1 CBT 2 जिस तरह से होते हैं वो सब क्वेश्चन आते हैं या फिर रेलवे डिपार्टमेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वो सब जब डिपार्टमेंट क्वेश्चन रहती है, तो उसमें अधिकांश क्वेश्चन डिपार्टमेंट से रहती है, और कुछ क्वेश्चन रहती है जैसे GKGS जो होता है, कुछ करंट भी रहता है, और कुछ मैथ भी रहता है। जैसे कि हाँ एक बेसिक सा एक पेपर 1 होता है, उस पेपर को बाद आपका अगर स्टेशन मास्टर के लिए आते हैं या फिर लोको पायलट के लिए आते हैं तो आपको साइको टेस्ट देना पड़ता है। हाँ ये साइको टेस्ट तो लेता है, पहले रिटर्न प्रथम परीक्षा हो जाने बाद दूसरी परीक्षा, जब प्रथम परीक्षा में पास कर जाते हैं, तब जाके साइकोट होता है, साइको होने के बाद मेरिट बनाता है। साइको के बाद मेरिट बनते हैं। तो साइको टेस्ट जिस तरह से नॉर्मली होती है, साइको टेस्ट डिपार्टमेंटल के अंदर में भी बहुत सारी मतलब साइको टेस्ट उस तरह से होती है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि रेलवे में जॉब करते हैं और वो साइको टेस्ट के लिए हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं, तो वो सिस्टम है प्रमोशन के लिए। चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी यहाँ पे, तो ये रही बात। अब एक नए स्टूडेंट को जैसे मान लिया, अगर कोई स्टूडेंट है जैसे कि अभी जैसे कि ग्रुप डी को ज्वाइन करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है CBT,
अभी तो एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होती है, आपने रिटन दिया था तो उसमें कोई खास अंतर होता नहीं है। और अभी के सिलेबस में पहले के सिलेबस थोड़ा सा अंतर है, पहले जीके जीएस क्वेश्चन ज़्यादा आते थे और अभी मैथ रीजनिंग साइंस ज़्यादा आते क्वेश्चन। तो स्टूडेंट को फोकस करना है किस पे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना। सही। जैसे कि आपके समय आ रहा था क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, तो आपने उसको ज़्यादा पढ़ा होगा, तो 70% तक क्वेश्चन जीके जीएस से आते थे। और अभी है कि 70-60% क्वेश्चन जो है आपका मैथ रीजनिंग अकेले लेता है, 30% क्वेश्चन जो है साइंस लेता है, 10% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर लेता है, बस 5 से 7% क्वेश्चन है, 10% क्वेश्चन जो है वो जी के जी एस से आता है। तो अभी जी के जी एस बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है जैसे आपने देखा होगा। तो देखिए स्टूडेंट को जरूरी ये है कि अभी जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर फोकस करके पढ़ना चाहिए। तो आप ये बताइए, जैसे कि आप जिस टाइम तैयारी करते थे आप कितना घंटे मेहनत करते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? जिस समय हम तैयारी करते थे उस समय 6 से 8 घंटा हम मेहनत करते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे। और जैसे कि ग्रुप में आते थे 1-2 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद यहाँ जाने के बाद जो टॉपिक दिया जाता था उसको एक बार पढ़ लेते थे, जो याद करने दिया जाता था उसको पढ़ लेते थे, फिर शाम में एक बार पढ़ लेते थे, फिर रात में नहीं पढ़ पाते थे तो सुबह में उठ करके एक बार पढ़ लेते थे। आप 5-6 घंटा? हाँ, 6 से 8 घंटा मेहनत कर लो। 6 से 8 घंटा पहले अपने स्टडी घर पे और 1 से 2 घंटा जी डी लोग, इतना ही इनको मेहनत करना था। तो इसके अलावा फिर पैसे भी जुटाना था फैमिली के लिए, खुद के लिए भी, तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए हैं ये दो जी। और एक ऐसे स्टूडेंट जिसको जो बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए एक बहुत अच्छा आदर्श हो सकते संतोष जी कि इनकी फैमिली में पैसा बिल्कुल भी नहीं था और इनके पिताजी भी नहीं थे, तो पूरा फैमिली को भी देखना पड़ता था और खुद ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। और फिर ये किस तरह से करते थे वो छोटे बच्चों को पढ़ा करते थे। तो जो स्टूडेंट के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है वो भी ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि आप भी पढ़ाई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप छोटे बच्चों को तो बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तो इस रूप में आपने पैसा वगैरह किया, तो आप बताइए हमारे सब्सक्राइबर के लिए कि जो स्टूडेंट आना चाहते हैं इसमें वो मैट्रिक पास होना चाहिए, ओनली 10th पास होना चाहिए, इसमें सही मिनिमम मार्क्स की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो सब कोई हाँ, जरूरत ओनली ओनली सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए, भले उसका 30% नंबर हो, 40%, 50%, इससे उसको कोई मतलब नहीं। यानी कि रेलवे के एग्जाम में जो है आपको ये नहीं पूछा कि आपका अगर 60% है तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे, कोई भी स्टूडेंट हो अगर वो पासिंग है तो भी डाल सकता है फॉर्म। अगर किसी स्टूडेंट किसी विषय में क्रॉस लग गया फिर वो दोबारा उस विषय का एग्जाम दे करके दोबारा से वो सर्टिफिकेट हासिल कर लिया पासिंग का, तो फिर भी वो फॉर्म डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आप एक नए स्टूडेंट को क्या करना चाहते हैं? नए स्टूडेंट से मेरा यही कहना है, जो जो भी काम करे, जो भी पढ़ाई करे, सो ईमानदारी पूर्वक करे और तन मन से करे, और टू दी और पॉइंट करें। हाँ, टू दी पॉइंट और अप टू डेट रहे, और करेंट अफेयर से और बहुत सारी जो घटनाएं घटती रहती है उस सबको अप टू डेट रखे। ओके, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत है ऐसा संतोष जी का कहना है। तो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो और सब स्टूडेंट जो भी इससे अपडेटेड नहीं हुआ उससे सॉल्व होगा ही नहीं। मैथ तो सब लोग पढ़ते हैं लेकिन करंट अफेयर्स बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, डेली अपडेटेड नहीं रह पाते हैं, है ना। हाँ सही। ओके, और एक बहुत बड़ा सवाल जो कि हमको स्टार्टिंग में से ही पूछनी चाहिए, हम भूल गए थे, वो सवाल ये है जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रेलवे बिक गई है, प्राइवेट हो गई है, अब दोबारा नौकरी मिलेगी ही नहीं, या फिर अभी जो एग्ज़ाम होने वाले ग्रुप डी का NTPC का वो एग्ज़ाम नहीं होगा, या फिर आने वाला जो समय होगा 2-4 साल बाद वो एग्ज़ाम नहीं होगा, इस पे क्या करना है आपका? ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ डिपार्टमेंट है रेलवे को, कुछ जैसे कि कुछ भारी जैसा काम हुआ इंजीनियरिंग में, जैसे पत्थर को या ट्रैक को इधर उधर करना, तो कुछ जो भारी काम है वो कुछ कुछ काम को रेलवे प्राइवेट में दिया, लेकिन रेलवे प्राइवेट अभी तक प्राइवेट हुई नहीं वो है। नहीं, और प्राइवेट ना ट्रेन की बारे में बात करें, जैसे कि लोग और लगता है कि अब ट्रेन प्राइवेट चलेगी, नया वैकेंसी आएगा नहीं, सब कुछ श्रम कर्मचारी प्राइवेट हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी ऐसी अभी तक कुछ अथी नहीं है, जो कोई रेलवे बोर्ड का मतलब कोई अगर ऐसा सूचना प्राइवेट, नहीं है जो रेलवे हाँ प्राइवेट ही चलाएगा अगर रेलवे। प्राइवेट ट्रेन चलेगी भी तो स्टाफ जो होंगे जैसे कि लोको पायलट होंगे, स्टेशन मास्टर होंगे, गुड्स गार्ड होंगे, वो सब सरकारी होंगे। हाँ, ये बात है, सब सरकारी ही हाँ, रहेगा। आपको भी बिल्कुल सोचने वाली बात है, अगर मान लीजिए कि प्राइवेट ट्रेन चली उसमें वो जो कंपनी है अपना अगर ड्राइवर रखा, अगर उसने एक्सीडेंट कर दिया तो उसको तो 8-10 हज़ार के महीने के सैलरी पर रखेगा, तो ऐसा अलाउ ही नहीं होगा भारत सरकार की तरफ से, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो लोग ऐसा बिल्कुल सोच के चलिए कि आप लोगों का जो प्राइवेट चीज़ है, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन का वैकेंसी पे असर नहीं पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन में सुविधा अच्छी देगी कंपनी और लोगों से पैसे ज़्यादा लेगी
जो अमीर पैसेंजर्स जो उसमें सफ़र करेंगे वो चीज़। तो ऐसा सुनने को मिल रहा है जैसे कि प्राइवेट ट्रेन चलेगी, तो अब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ट्रेन ही चलेगी, सरकारी जितनी चलती थी पहले से अब वो नहीं चलेगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो प्राइवेट ही ट्रेन चलेगी, सरकार प्राइवेट चलेगा अभी तो कुछ गाड़ियां चलाएगा, और सब ओके जो ओके सरकारी चल रहा है सो सब सरकारी चलाएगा, ओके वही ओके गाड़ी कुछ बढ़ाएगा तो वही बढ़ा हुआ गाड़ी प्राइवेट एक दो रहेगी, नहीं तो ऐसे भी सरकार का वैसा उद्देश्य नहीं, सब लोग सब झूठ हाँ, का जैसे कि अफवाह आपको फैलाए पता हुए है कि हैं। हमारा जो देश है लोकतांत्रिक है, अगर सरकार गलत काम करेगी तो अगले साल उसको हटना पड़ सकता है। तो यही बात है कि तो हमने अभी जाना इस वीडियो में, सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें छूट गई। इससे पहले भी संतोष जी के साथ एक वीडियो बनाए थे, तो अब संतोष जी दोबारा फिर से आएंगे जब छुट्टी पे, तो आप लोगों से फिर से बात करवाएंगे। और फिलहाल आपने हमारा मास्टर नोट्स को देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये अभिषेक जी का जो मास्टर नोट्स है वो काफ़ी काफ़ी सराहनीय है, और इस नोट्स के द्वारा यदि आप लोग स्टडी करते हैं तो आपको सभी चीज़ का मार्क मिलते हुए और आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, जैसा ओके मैं ये, मैंने भी हाँ इनके नोट्स से तैयारी किया था और देखा था। तो देखिए ये फिजिक्स का जैसे जिस तरह से किताब है, और फिजिक्स इनका बिल्कुल फेवरेट किताब है। तो जैसे कि जिस समय आप पढ़े थे उस समय का नोट्स कुछ और था, वो अपडेटेड रहती है। तो अभी देखिए जिससे कि ये सब नोट्स है इस तरह से, तो यही सब क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं। हाँ ये जो जैसे कि देखिए यूनिट्स चैप्टर है, यूनिट्स तो ये सब जो है ना यूनिट्स, तो ज़्यादा कुछ ऐसा रहता नहीं, बस यही सब जो हम लोग पढ़े थे टोटल वही है, टोटल वही है, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में हाँ, पूछता जैसे कि है। एक सेक्शन और देखिए हम इसमें जोड़े हैं, जैसे कि अब तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, मतलब कि ये जो यूनिट चैप्टर है ना, तो इस यूनिट चैप्टर में जितने क्वेश्चन पूछे गए सब यहाँ पे हम कलेक्ट किए हैं। हाँ ये आप सब तो राइट बहुत ही, ये एडमिशन तो काफ़ी अच्छा हो गया, जो जो क्वेश्चन पूछा गया उस वो भी आप मिला के देख सकते हैं, और जैसे ये जैसे कि मिल अभी रहा है कि इसमें नहीं। एक चेंजिंग और की, जैसे कि सबको हम नंबरिंग में कर लिख दिए, इससे स्टूडेंट को भी याद होगा कि चलो यूनिट में 128 क्वेश्चन ही पढ़ना हमको बेसिक में, और अब हाँ तक एग्जाम पूछे गए प्रश्न इसकी संख्या है 64 ओनली। तो एक सौ हाँ अट्ठाईस और 64 लगभग में 200 क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपका यूनिट चैप्टर एक कंप्लीट हो जाती है, और इसी में से लगभग में 90% क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगी। आप भी एक नज़र देखिए तो आपको लगेगा यही सब चीज़ तो हम लोग पढ़े थे। हाँ हम लोग यही सब पढ़े थे, ये है ना ये एक मील में कितना फ्लांग होता है यही सब पढ़े थे, एक फुट में कितना इंच होता है ये सब पढ़े थे, एकदम इजी इजी सब यही सब था, और यही सब पढ़े थे याद किए थे, और साइंस मेरा फेवरेट है। चलिए ठीक, अच्छी बात है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को हम अंत करते हैं, और सभी दर्शकों से हम, सभी स्टूडेंट से हम ये कहना चाहते हैं, आप भी अगर इंडियन रेलवे को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप को जो भी गाइडेंस चाहिए होगी आपको हमारी इस चैनल पे मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को, अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो इस वीडियो पे संतोष जी के लिए, अगर आप इनसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, हम इनसे वो जानकारी लेकर के आपको दूसरे वीडियो में बिल्कुल बता देंगे। चलिए थैंक यू सो मच, आपके ओके ऑल द बेस्ट।